साइड बस ले निकली है। तो गाइस अपना दूसरा बैग भी आ चुका है, लाइन मार रहे हैं क्योंकि मैं दुबई से आ रहा हूँ, ऐसा लाइन मारा है उन्होंने। तो हेलो गाइस, अभी मैं रूम में हूँ आलम भाई के, अभी इंडिया जाने की तैयारी चालू है। बैग आ रहा हूँ, दूसरा उधर, तीसरा इधर और चौथा उधर। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और देखते हैं कि जैसा रहेगा वैसा दिखाएंगे रास्ते में बने रहो वीडियो में। इस अभी मैं बैठा हूँ टैक्सी में, टैक्सी में ये भाई है। वेयर आर यू फ्रॉम? दिस गाइस फ्रॉम युगांडा इस टैक्सी चला रहा है भाई। टेकिंग मी टू एयरपोर्ट। या हम यहाँ पे बैठे हैं टैक्सी में, वो जो जा रही है वो मेट्रो की लाइन है। मेट्रो, ये मेट्रो की लाइन है। वो आया था क्या करने, क्या से क्या हो गया, और दिल को थोड़ा सुकून है फिलहाल। जो भी है अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 2 महीने दुबई के अंदर, फिर भी ज़्यादा कुछ खर्चे नहीं हुए, ज़्यादा खर्चे नहीं हुए फिलहाल, अच्छा ही है जो भी है। बाकी अगर इस पे वीडियो चाहिए तो, या किसी को जानकारी मेरे फ्रेंड लोग को चाहिए तो मैं कॉल पे दे दूँगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ना है। बातचीत कर रहा हूँ और सुनते हैं भाई साहब क्या बोलते हैं। हाउ मच यू हैव गर्लफ्रेंड ब्रो? फाइव गर्लफ्रेंड है, सोच रहे हो भाई? शादी नहीं हुई भाई की? मैंने पूछा कितनी गर्लफ्रेंड, भाई बोल रहे 5 गर्लफ्रेंड है। हाउ मच यू गिव टू मनी योर गर्लफ्रेंड? दे गिव मी बिकॉज़ दे आर वर्किंग आल्सो। देख रहे हो गाइस, भाई साहब गर्लफ्रेंड से पैसा लेते हैं, ये देते नहीं है, ये लेते हैं पैसे उनसे, समझ रहे हो? भाई से बात करते करते थोड़ी बहुत बातें की, इंग्लिश तो उतना आती नहीं, छोटी फूटी इंग्लिश में बात की है। भाई की भी वही है, छोटी फूटी इंग्लिश। गाइस अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, दुबई की रोड है, यहाँ पे अगर जाए कोई पैदल जाए या कोई कैसा भी जाता है फाइन लगता ही लगता है स्टार्टिंग में। जैसा कोई नया पैदल भी जाते हैं ना तो भी फाइन लग जाता है, वो भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा फाइन लगता है। देख रहे हो पहुँचने ही वाले हैं बस। ये भाई से दोस्ती किया, भाई को ऊपर का पैसा हो रहा था 10 दिन एक्स्ट्रा दे दिया, तो भाई लेके आ रहे हैं। रखते हैं दिस गाय, यहाँ पे बहुत सारी टैक्सियाँ चलती हैं गाइस। दिस बैग इज योर्स? गाइस अभी हम टर्मिनल 1 पे आ गए हैं दुबई के एयरपोर्ट पे, और इस साइड हम खड़े हैं, ये इधर लगेज है, और चलते हैं अंदर की तरफ, ये जाते हैं। तो गाइस अभी हम दुबई के एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और इस साइड हैं, देखते हैं अभी कैसा क्या सीन है, पता करेंगे फिर जाएंगे आगे की तरफ। तो लिखा तो नहीं है कि वीडियो का रहना बना सकते, ये अंदर साइड का है नज़ारा सीन है। मैंने चेकिंग कर लिया है, लगेज अंदर डाल दिया है और पासपोर्ट दे दिया, अभी अंदर साइड जा रहा हूँ का सीन है। और अंदर इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है, वहाँ पर लिखा है। चलो देखते हैं क्या है, बताते हैं। का सिस्टम देख रहे हो, सिस्टम एयरपोर्ट का सिस्टम क्या ही है, बाकी है स्कैन। आग दिखाओ, गेट खुलेगा आगे आओ। अब देखो आगे भी इधर भी है सामान का, आगे दिखाते हैं बैक कैमरा करके। उस साइड सामान का होता है चेकिंग का, खाली फोकट गाइस देख रहे हो, एक राउंड उधर लगाओ फिर इधर लगाओ फिर तीसरा फिर चौथा फिर उधर से पाँचवा, क्या ही बोले इनको। तो वीडियो एडिट करने के लिए यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, और पता ही इंडिया वाले लोग कैसे होते हैं, ढीठ होते हैं, मानते नहीं है। मतलब टिकट वेट करता, मैंने वेट किया नहीं फिलहाल बस। अभी हम आए हैं यहाँ पे और दिखाते हैं मेट्रो, यहीं से मेट्रो पकड़ते हैं, मेट्रो ये पकड़ के सीट पे बैठना है, फिर यहाँ से जाएगी मेट्रो, मतलब ये सॉरी मेट्रो ट्रेन है। चलते हुए जा रही है बीचों बीच में, यहाँ से भी मेट्रो जाती है, नॉर्मल वाली मेट्रो है, दूसरी मेट्रो है। यहाँ से सिर्फ एयरपोर्ट पे लेके जाते हैं, यहाँ से ये अलग सा रोड बना है, सिर्फ एयरपोर्ट के लिए रोड बना हुआ है ये वाला। उतर के अभी एयरपोर्ट पे आ गए, जहाँ से फ्लाइट उड़ाई जाती है। बहुत देर हम पड़े थे, मैं सोचा था एक्सचेंज कर लूँ, मगर अभी मॉल के अंदर आया हूँ, देखता हूँ कुछ ना कुछ लेने के लिए ट्राई करता हूँ। इधर मॉल है जो आके स्टार्टिंग में दिखाया दुबई का मॉल,
एयरपोर्ट के अंदर वहाँ पे हूँ, देखते हैं। इतना बड़ा ये है कि मैं सामान धो रहा था मगर धोते घूम चुका हूँ, पता नहीं अभी कौन सा साइड जाना, पूछते हैं किसी से फिर निकलते हैं यहाँ से। घूमा नहीं था गाइस, मैं बस ऐसे घूम रहा था सीधा ही, मैं वापस घूम के आया था, मुझे इयरिंग्स वगैरह देखना था तो वो देखने आया था मैं यहाँ पे। काफ़ी इयरिंग्स वगैरह अच्छी मिलती हैं यहाँ पे, मतलब अच्छी क्या मिलती हैं, पसंद अच्छी अच्छी होती हैं, मतलब क्वालिटी अच्छी है। अगर इयरिंग्स लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा है, 700-800 का। इंडिया में भी अच्छी क्वालिटी में 300 में मिनिमम बहुत अच्छी से अच्छी मिल जाएगी। बस वही है, चलते हैं आगे। लिखा नहीं है D1, ऐसा वहाँ पे लिखा है D9, ऐसा D1 सीधा भी एकदम लास्ट में जाना है। एयरपोर्ट के अंदर लूट खाने वाली महंगाइयाँ एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ही है। अभी बैठा हूँ आके D1 के पास, जो 2:15 की फ़्लाइट थी वो है अभी 3:15 के आसपास, फ़्लाइट लेट हो चुकी है, 3:15:25 पे है। देखो अभी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा अभी 2 घंटे के आसपास। तो गाइस अभी मैं दुबई एयरपोर्ट पे हूँ, मैंने चश्मा लगाया, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। ये पानी लिया 2 दिरहम का, क्या बताएं, 3 बज रहे हैं, अब एंट्री स्टार्ट हो गई है, अभी अंदर साइड जाते हैं, देखो दिखाते हैं फिर। साइड एंट्री हो रही है, जैसा भी मैंने बताया दुबई में 3 बज रहे हैं और फ्लाइट आ चुकी है, अभी जाते हैं अंदर साइड दिखाते हैं और बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। यहाँ से जाने का सीन इस साइड भी है, यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है, एकदम क्लीन है पूरा। अपनी एंट्री होने वाली है, ये रुकने में फिर से लाइक ऐसे जा रहे हैं, अभी कान से एयरबड्स निकाल दिया हूँ ताकि क्लीन आवाज आए। इस साइड है, इस साइड भी दिख रहा है, अभी इस साइड आ गया है वो, कितने एरोप्लेन के अंदर फिर बस मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, लाइक ऐसा ही सीन है। यहाँ पे दाना हो रहा है, मुझे लगा कि फ्लाइट मिलेगी विंडो साइड, क्या ही विंडो दिया है भाई, आधा अधूरा विंडो दिया है क्या ही, मैं सोचा जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, सही सलामत बैठे एरोप्लेन के अंदर। रेट का फ्लाइट कुछ ऐसा ही है, चीज मैं बता रहा हूँ जो एरोप्लेन के अंदर होती हैं लेडीज़, अभी वो कि ऐसे बताया है कि ऊपर से आएगा तो मास्क की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो मास्क लगाइएगा, तभी इनको मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है भाई एरोप्लेन तो जाने वाली, इनके बातों से ऐसा मुझे फील आ रहा है क्योंकि ये लोग एक एक लोग को जाके बता रही हैं। मैडम से बात करूँगा, उस साइड एक विंडो सीट खाली है, 2 सीटें। अभी मैंने वीडियो बना रहा था तो शायद भाई ने आवाज़ सुन ली मेरी, एक्चुअली मैं वो जाके सीट पर बैठ के दिखाता हूँ, वो जाके साइड में बैठ गए तो कोई मसला नहीं है, बैठते हैं यहाँ पे, देखेंगे बात करेंगे, अगर कोई सीट खाली रही विंडो की तो एडजस्ट होंगे, अदरवाइज यहीं पे बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे से आगे भी कुछ बैठे, पीछे भी कुछ बैठे, बहुत ज़्यादा एरोप्लेन वैसे भी यहाँ से खाली जाती दुबई से मुंबई के लिए या किसी और भी कंट्री के लिए। वैसे भी क्या सीन है कि यहाँ से फ्लाइट निकल रही है और लाइट बार बार चेंज हो रही है, अभी बंद हो रही है, फिलहाल मैं वीडियो बना लेता हूँ। इनको 20 मिनट से ज़्यादा हो गया सिर्फ रनवे पे प्रेशर लेने के लिए, जब स्पीड लेते हैं तब बहुत ज़्यादा स्पीड में एरोप्लेन उड़ती हैं, इनको हो गया 20-25 मिनट फिर भी अभी तक प्रेशर नहीं ले पाए, अभी देखो कब तक ले पाएंगे, बताते हैं आगे खबर आगे। बस काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे नींद आई नहीं, आँखें लाल लाल हो चुकी हैं, अभी सोना है घर पर जाके, और बादल दिखाता हूँ आप सभी को, बादल पास में, मगर ऐसा पास में जाने के बाद पता नहीं है, नहीं होता,
बस वही है, अब उतरते हैं फिर दिखाते हैं आप सभी को। लगेज लेंगे अंदर की तरफ हैं, हम भी जा रहे हैं आगे, जाते जाते ही देख रहे हो तो उठाएंगे अपना सामान और सामान उठा के फिर देखते हैं। अभी इधर भी लाइन लगाना पड़ेगा, इधर भी लाइन लगाते हैं, यहाँ से फिर अंदर जाएंगे। कि यहाँ से स्टैम्प लगवा लिए पासपोर्ट पे, अभी वापस जा रहे हैं किधर, अभी जा रहे हैं लगेज लेने। ठीक है, यहाँ पे आएगा अभी थोड़े टाइम के बाद लगेज इस साइड आ चुके हैं। यहाँ से अभी बैग आएगा, बैग उठाएंगे फिर बाहर जाके मिलते हैं आप सभी से। हाँ, बैग आ चुका है, एक और है। तो गाइस अपना दूसरा बैग भी आ चुका है, अभी क्या ही बोलूँ मैं, कोई नहीं। ये चीज़ इंडिगो, ये जो भी हैं एयरपोर्ट वाले, ये चीज़ फाट दिया है, क्या बोलूँ अभी इन्हें मैं। फिर में क्या हुआ कि मैं एयरपोर्ट पे आया, मतलब अंदर साइड आ गया मुंबई के, एक्चुअली मेरा बैग फटा हुआ है, इन्होंने ज़ोर से या कुछ भी करके मेरा बैग का वो फाड़ दिया पकड़ने वाला, और मेरे बैग पे लाइन मार रहे हैं क्योंकि मैं दुबई से आ रहा हूँ, ऐसा लाइन मारा है उन्होंने। मैंने टैक्सी पर बैठा हूँ, टैक्सी बैठा हूँ, 1000 रुपये लग रहे हैं यहाँ से चलते हैं। बस पकड़ता टाइम लगता बस आने में, तो इस वजह से मैं बोला टैक्सी पकड़ के जाते हैं, यहाँ से अब निकलेंगे। एक चीज़ बता दूँ कि दुबई में नॉर्मल बंदा भी अगर जाता है 40,000-50,000, अगर 50,000 बजट है उसका तो भी वो जाके घूम के आ सकता है। ठीक है, मतलब एक हफ्ते के लिए 50,000 बजट बहुत है, और उससे भी ज़्यादा अगर जाता है 1,00,000 पकड़ लो, थोड़ा बहुत सामान भी ले लेगा, बाकी तो फिर उसके बाद रह ही सकता है। फ़िलहाल मैं 2 महीने रहा हूँ, 2 महीने में समझ लो कितना खर्चा हुआ होगा, और थोड़ा खर्च भी मैं करता हूँ, तो फ़िलहाल जो भी है कोई वैसा सीन नहीं है। तकरीबन मिनिमम खर्चा हुआ है, नॉर्मल इतना खर्चा हुआ है। ठीक है, और सामान वगैरह भी लिया, उसमें भी थोड़ा बहुत गया, फ़िलहाल जो भी है बस वही है। डिटेल में अब किस पे दुबई के बारे में फ़िलहाल के लिए कोई भी वीडियो नहीं आने वाली है, काफ़ी टाइम के बाद फिर से आएगी वीडियो। ठीक है, क्योंकि वापस वहाँ जाना है या और कहीं जाना प्लानिंग बना रहा हूँ मैं, जैसा होगा वापस से यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए यही है, जिंदा रहेंगे फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।